हे गाइस वेलकम बैक। अभी मैं आया हूँ खेतों तक और यहाँ पर है एक अखरोट का पेड़। इससे मैं निकालूँगा दांतून। मैं कहीं जा रहा हूँ और वहीं से ही अखरोट की दांतून मुझसे मंगाई है। ये सामने है अखरोट का पेड़ और ये थोड़ा सा 360 व्यू इधर उधर का। अभी मैं पेड़ की छाँव में हूँ। यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चल रही है और अब चलते हैं अखरोट के पेड़ के पास। ये देखिए किस तरह के रास्ते खेतों में बने होते हैं। यहाँ पर ये है सेब का पेड़ और इसमें लगे हैं छोटे छोटे से सेब। यहाँ पर है गाइस अखरोट का पेड़। इसी से ही हम दांतून निकालेंगे। पुराने समय में जब टूथपेस्ट वगैरह नहीं होता था की जाती थी दांतून या तो अखरोट के पेड़ से निकाली जाती थी दांतून, या जो तिरमिरा एक प्लांट होता है उससे दांतून निकाली जाती थी। ये है अखरोट का बड़ा सा पेड़ और अभी इसकी छाया में भी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। ये है अखरोट के पत्ते और यहाँ से देखिए ये है नई ग्रोथ। ये इसी साल लगभग 2 फुट के आसपास ये टहनी बन चुकी है। ये है नई टहनी, ये है पुरानी। और धूप भी किस तरह से इस पेड़ के ऊपर से चमक रही है। तो गाइस अब निकालते हैं दांतून। सबसे पहले जो अखरोट की दांतून होती है इसके पत्ते से भी होती है। जैसे इसके पत्ते को किया जाता है इस तरह से और दांत में घिसते हैं, और जैसे ही 1-2 मिनट हम इस तरह से घिसेंगे उसके बाद हमारे होठ भी लाल लाल होने शुरू हो जाएंगे। और अगर हम 10-15 मिनट तक दांतून लगातार करेंगे तब होठ हो जाते हैं ब्राउन और दांत हो जाते हैं वाइट। ये दाना सा जो दिख रहा है ये है अखरोट। यहाँ पर भी एक अखरोट है। लगभग 2-3 महीनों बाद ये बन जाएंगे बड़े से अखरोट के फल। तो गाइज अब अखरोट की दांतून निकालना शुरू करते हैं। कुछ एक पत्ते भी तोड़ लेते हैं और यहाँ पर ये जो टहनी टूटी है जो अखरोट की ये सूखी छाल है इसे कहते हैं दंदासा। इस छाल को सुखा कर रखा जाता है और उसके बाद इस छाल से भी दांतून होती है इस तरह से, और इसे चबाया जाता है और इससे ही दांतून की जाती है। टेस्ट में ये थोड़ा सा तीखा सा है। पुराने समय में टूथपेस्ट जब नहीं होता था तब इसी की ही दांतून की जाती थी। हालांकि इसके अलावा भी कई सारे पेड़ हैं जिसकी दांतूने होती है, और पुराने समय के जो बुज़ुर्ग थे उनके दांत इतने सॉलिड होते थे कि वो वृद्धावस्था में भी जो काले चने चबा लेते थे, और जब कभी चिकन खाते थे तो हड्डियों को चबा कर निगल जाते थे। आज की डेट में तो हमारे अगर हम टॉफ़ी भी खाएँगे हमारे दांत टूट सकते हैं। तो गाइज अब करते हैं अपना काम शुरू और निकालते हैं पत्ते दांतून के लिए। और अब हमें छाल भी निकालनी थी। सामने एक सूखी टहनी दिख रही है और यहाँ पर टहनियाँ भी है, लेकिन हमें जाना पड़ेगा, इस पेड़ में चढ़ना ही पड़ेगा तब जाके इसकी छाल निकल सकती है गाइज। ये देखिए गाइस ये हमने छाल निकाल दी इसकी। ये है दंतासा। जो इसकी छाल इसको सुखा के रख दिया जाता है और इससे भी
दांत साफ होते हैं। और ये पत्ते, इतनी कर टहनी काफ़ी है और इतना कर दंतासा काफ़ी है। गाइस इस पेड़ से हम इतना ही निकालेंगे क्योंकि पेड़ को अब रिकवर भी होना है। और वैसे तो इसकी काट छांट हम करते रहते हैं, इसकी काट छांट करने से इसमें फल अच्छे लगते हैं, तो बीच में छोटी मोटी टहनियाँ निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं है।